हाय दोस्तों, आज मैं पनीर टिक्के का वीडियो लेके आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम बेसन को सेकेंगे। अगर आपके पास सत्तू हो तो आप बेसन वाला सत्तू वो भी डाल सकते हो, चने जो भुने हुए आते हैं उन्हें भी पीस के डाल सकते हो। मैंने बेसन लिया है, ये 4 चम्मच लिया है। इसे हमें हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट सेक लेंगे। ये बेसन को सेक लिया है, अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं, टिक्के के मसाले की। ये हमने एक बर्तन ले लिया है। सबसे पहले हम दही डालेंगे, दही गाढ़ा ही ले आप। पहले मैं इतना ही दही लूंगी, फिर बाद में लेंगे। ये 250 ग्राम का आता है, ये तो मैंने आधा ले लिया है। अब इसमें बेसन डाल देंगे। सबसे पहले तो ये मैंने 4 चम्मच बेसन के लिए है, 4 चम्मच दही लिया था तो 4 चम्मच बेसन डाल देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। ये मैंने कसूरी मेथी ली, इसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अब मैंने 4 चम्मच ऑयल के लिए सरसों का तेल है, इसे गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया, इस तरह से धुआं निकलता हुआ होना चाहिए। 1/2 नींबू का रस डाल देंगे इसमें और 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें ये ऑयल डालेंगे हम। और इसे मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा मुझे गाढ़ा दिख रहा है तो मैं इसमें दही डालूंगी। 2 चम्मच दही डालेंगे। मैंने टेस्ट करके देख लिया, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, 1/4 चम्मच करीब नमक डाल देंगे। बाजार में तो इसमें कलर भी डालते हैं, रेड कलर, लेकिन मैं नहीं डाल रही। आप चाहो तो रेड कलर इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। अब इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिए हैं, इसके इस तरह से क्यूब कर लिए हैं। दो शिमला मिर्ची ली थी और 2 प्याज लिए हैं, इनके प्याज के इस तरह से पीस कर लिए हैं और शिमला मिर्ची के इस तरह से कर लिए। इन्हें डाल देंगे और अब हाथों से मिक्स करेंगे। आराम से कोट कर लेंगे इन पे। आराम से करें, नहीं तो पनीर के पीस टूट जाएंगे। ये मेरी कश्मीरी शिमला मिर्च नहीं है, नॉर्मल शिमला मिर्च थी इसलिए कलर नहीं आया। अगर आपके पास कश्मीरी शिमला मिर्च, वो कश्मीरी रेड चिली हो तो वो ही डालें, और 1 पिंच रेड कलर डाल दें तो उससे कलर आ जाएगा। लेकिन कलर क्यों डालें, हम घर में बना रहे हैं। तो अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट करीबन हो गए हैं। अब मैंने ये स्टिक ली है, इनमें डालेंगे। सबसे पहले तो मैं पनीर का पीस डाल दूंगी। बस यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक सेकने को भी चाहिए। अब शिमला मिर्च लगा देंगे। फिर हम प्याज लगाएंगे। फिर हम पनीर लगा देंगे। इस तरह से हम सेट करेंगे। ये मैंने 2 स्टिक बना के तैयार कर लिए, 2 और बन जाएगी इसमें। अब इन्हें हमें सेकना है, तो मैं इसे इस तरह से गैस पे सेकूंगी, चारों तरफ घुमाते हुए सेक लेंगे।
इन्हें तवे पे भी सेक सकते हैं और इस तरह से भी सेक सकते हैं। घुमाते हुए सेक लेंगे इन्हें। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, खुशबू आने लग गई इनकी। हम इन्हें ज्यादा शादियों में खाते हैं, आजकल शादियों में तो जा नहीं रहे हम, तो सोचा घर पे ही पनीर टिक्के का मजा लेते हैं। तो इन्हें इस तरह से सेकेंगे। मैं पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो। तो पहले इधर से चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेंगे, जब तक इनका कलर नहीं आ जाए, धुआं नहीं निकलने लग जाए। और जब खाने हो तभी इन्हें गरम कर इस तरह से सेक के खाए, स्टिंग में रख के तैयार करके रख ले फ्रिज में। देखिए सिकने लग गए हैं। इधर से गरम हो गया। ये इस तरह से सिक जाएगा, इसी तरह दूसरा भी सेक के तैयार कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम नींबू का रस लगा लेंगे। ये हमारे पनीर टिक्का बन के तैयार हो गए हैं, तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।